ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट से पहले मैंने जो इस चैप्टर में पढ़ाया है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में, मैं आपको अपवर्तन पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको परावर्तन पढ़ा चुका हूँ, आज मैं आपको अपवर्तन के बारे में बताऊँगा। देखो, मैंने आपको परावर्तन में बताया था कि किसी दर्पण के चिकने तल से कोई प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में या उसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है, लेकिन ऐसा अपवर्तन में नहीं, क्योंकि परावर्तन की जो बात करी थी हमने वो दर्पण में करी थी, और अपवर्तन की जो बात करेंगे वो हम करेंगे लेंस में। तो देखो, सपोज दैट ये कोई एक लेंस है। क्या है? लेंस। मान लीजिए आपने यहाँ एक अभिलंब मान लिया, ये आपका n हो गया, ये आपका m, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ठीक। यहाँ कोई सूर्य है, इस सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस लेंस के तल से टकराती है, ठीक, आके टकरा गई। जब दर्पण की बात कर रहे थे तो इधर इस साइड में पॉलिश थी, तो वो यहाँ टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली गई थी, लेकिन यहाँ पॉलिश नहीं है, ये पारदर्शी है, जब पारदर्शी है तो वापस जाएगी नहीं, तो ये दूसरे माध्यम में चली जाएगी। ये आपका माध्यम वन है, ये आपका माध्यम टू है, ठीक। जब ये दूसरे माध्यम में गई थी तो दूसरे माध्यम में जाने के उपरांत ये अपने मार्ग से विचलित हो गई थी। अब प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या है देखते हैं। कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस के तल से टकरा कर यानी कि माध्यम वन से गुजरने के बाद जब वो दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है। तो ये जो आ रही थी किरण आने वाली होगी आपकी आपतित, ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण। अब ये दो किरण हो जाती हैं आपकी, इन दोनों किरणों के कुछ एंगल भी होंगे। एंगल बनाते वक्त आप इतना ध्यान रखेंगे कि एंगल जो होगा वो किरण के और अभिलंब के बीच में होगा, किरण के और अभिलंब के बीच में होगा। आप कई बार मिस्टेक कर देते हैं कि आपने एरर यहां लगा दिया, ये नहीं हो जाए। आने वाला आपका हो गया आई यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, ये हो गया आपका आर। इसमें क्या है आपका कि माध्यम वन और माध्यम टू इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा। क्या होगा? नियतांक। दोनों का माध्यम, दोनों माध्यमों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा। इसके बाद बात करते हैं कि अपवर्तन के दो नियम हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही अपवर्तन के दो नियम हैं। नियम क्या है आप इस चित्र में देख लेंगे, इस चित्र को आपने अगर देख लिया तो आप समझ लीजिए नियम आपको याद होगा। आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब, आने वाली, जाने वाली और अभिलंब, एक बार फिर रिपीट करूंगा, आने वाली, जाने वाली और अभिलंब तीनों एक ही तल में कार्य करेंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अपवर्तन का प्रथम नियम है, अपवर्तन का प्रथम नियम है। दूसरे नियम की बात करें, जो आने वाला कोण है आपका आई, जो जाने वाला कोण है आपका आर, इन दोनों का, दोनों की जो ज्या होगी यानी कि साइन, वो इसके अनुपात के, इन दोनों का जो अनुपात रहेगा साइन आई बटे साइन आर इक्वल एन, या आप यहाँ पे स्थिरांक भी लिख सकते हैं, ये इसका दूसरा नियम है। यहां दो चीजें आती हैं,
कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण I और R, माध्यम वन माध्यम टू दोनों हैं। देखो ये जो लेंस की जो बात करते हैं, लेंस में और दर्पण में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक में तो पॉजिटिव फॉर्मूला लगाते हैं आप, एक में आप नेगेटिव फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब बात करते हैं हम इसके आगे, जैसे दर्पण जो थे आपके वो उनके भी प्रकार बताए थे, वैसे ही लेंस के भी प्रकार होंगे, उत्तल अवतल। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब इन दोनों को याद कैसे करें, कैसे पता चले कि एक अवतल है और एक उत्तल है। दोनों की मैं यहां पर शेप बनाता हूं, दोनों का एक चित्र बनाता हूं। चित्र को देखकर ही आप इनकी परिभाषा सीख जाएंगे और कभी नहीं भूल सकते, इस तरीके से बताऊंगा, देखना आप ध्यान से। ये तो है आपका उत्तल, ये है आपका अवतल। जो लेंस बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, दोबारा देखेंगे, जो लेंस बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो उत्तल लेंस होगा, और जो लेंस बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो अवतल लेंस होगा। छूकर भी आप महसूस कर सकते हैं, जो लेंस किनारों पर पतला हो, किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो वो आपका अवतल होगा, और जो बीच में मोटा हो किनारों पर पतला हो वो आपका उत्तल होगा। इनको आप महसूस कैसे करेंगे, देखो जैसे आप कई बार देखते हैं आपके घर में जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी नाना नानी, आपकी मम्मी या पापा चश्मा लगाते हैं, उस चश्मे में कौन सा लेंस यूज करा गया है कि हमें कैसे पता पड़े। देखो चश्मे को आप पकड़ो, अगर चश्मे का लेंस बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है तो समझ लीजिए आपका उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल। और अगर चश्मे में जो लेंस लगा है वो लेंस आपका किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है तो आपका अवतल लेंस है। उत्तल लेंस का जो यूज करते हैं वो दूर दृष्टि के लिए करते हैं, और इसका हम निकट दृष्टि के लिए करते हैं। और जिन लोगों के लिए दोनों दोष होते हैं, उत्तल भी और अवतल भी, सॉरी दूरदृष्टि भी और निकट दृष्टि भी, तो उनके लिए जो लेंस का यूज करते हैं वो उत्तल अवतल दोनों का करते हैं। अब कैसे करते हैं दोनों का, उनका जो चश्मा होता है ना उसकी जो सेफ होती है, सपोज देर ऐसे मान लीजिए ये चश्मा है आपका, ठीक, इसकी जो सेफ बनी होगी वो यहां से तो अवतल रहेगी और यहां से उत्तल रहेगी और यहां से अवतल रहेगी, नीचे का अलग होगा ऊपर का अलग होगा, नीचे का अलग और ऊपर का अलग। वो दोष जिनके लिए निकट भी है और दूर भी है तो उसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष, ना तो उन्हें नजदीक का साफ दिख रहा ना ही दूर का दिख रहा, तो उनके लिए जरा दृष्टि दोष होता है। और जिनके लिए उत्तल का यूज करते हैं उनके लिए दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए किया जाता है, और ये निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अब इसके आगे का जो पार्ट्स है, इसके आगे जो चीजें हैं वो मैं आपको फोर्थ वीडियो में बताऊंगा। देखो मैं एक बात आपको छोटी सी बतानी भूल गया, उसको और बता दूं मैं आपको। देखो जो उत्तल लेंस होता है
इसको हम अभिसारी भी बोलते हैं, और अवतल को अपसारी। एक को अभिसारी और एक को अपसारी। अब इनको अभिसारी और अपसारी क्यों बोला जाता है? देखो, उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। जैसे एक बिंदु पर बहुत सारी किरणों को मिला देता है, तो यानी कि इकट्ठा करना, एकत्रित करना अभिसारी। और जब अवतल की बात करेंगे, ये किरण है, ये किरणों को फैला रहा है। जब ये किरणों को फैलाएगा, आगे बढ़ा देगा, इकट्ठा नहीं करेगा, तो ये होगा आपका अपसारी। ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि अभिसारी लेंस कौन सा होता है, अपसारी लेंस कौन सा होता है। दोनों में इतना अंतर है कि जो किरणों को इकट्ठा कर ले वो तो आपका अभिसारी, जो किरणों को फैला दे वो आपका अपसारी। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम आपका अभिसारी लेंस भी हो सकता है, और अवतल लेंस का दूसरा नाम भी आपका अपसारी लेंस भी है। हो नहीं सकता, है, निश्चित है। तो आपको ये चीज़ें भी याद करनी है। इसके आगे का जो है मैं आपको सेकंड फोर्थ वीडियो में बताऊँगा।